राइट right. अब लोगों ने इन सब चीज़ों को हमें पता है कि लोग हमारे यहाँ पे डिफरेंट कम्यूनिटी से थे डिफरेंट रिलीजन से थे डिफरेंट लैंग्वेजेस से थे और कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली जो चीज़ थी वो बहुत ज़रूरी थी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए तो अब यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा वो कल्चर करेगा वो रिलीजन करेगा वो फोक करेंगे हमारी स्टोरीज़ करेंगी लोकल सॉन्ग्स करेंगे इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे आ, किस चीज़ में नेशनलिज़म में राइट ये जो ऊपर इमेज देख रहे हैं वो बाल गंगाधर तिलक की है ठीक है और हमें पता है जो तिलक जी थे वो क्या थे हमारे वो हमारे एक रेडिकल ग्रुप के लीडर हुआ करते थे ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस थी ये बेसिकली आया लोगों के यूनाइटेड स्ट्रगल के थ्रू लोगों ने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया अपने देश के प्रति और जो कल्चरल प्रोसेस था लोगों की जो इमेजिनेशंस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी लोगों को लगने लगा था कि भाई यूनिटी के बगैर काम नहीं चल पाएगा हमने अपनी हिस्ट्री को मतलब देखना शुरू कर दिया हमने फोक फ्लोर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया पॉपुलर प्रिंट्स वगैरह को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया जैसे यहाँ पर भारत माता की इमेज है भारत माता इमेज किसने बनाई थी 1905 में तो ये जो मदर फिगर थी वो अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भारत माता जो फर्स्ट क्रिएटेड इमेज थी वो थी पंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राइट और यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इमेज ड्रॉ की गई थी एंड ड्रॉ uh, पंकिम चंद्र ने की थी एंड अभिनंद्र नाथ टैगोर ने यू you नो know, पेंट की थी ऐसा कुछ नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता तो ऑलवेज जस्ट मेंशन द नेम ऑफ पंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने एक नॉवल भी लिखी थी आनंद मठ और uh, उन्होंने वंदे मातरम एक जो हाइम था गाना था वो मदरलैंड को इन्होंने ट्रिब्यूट किया था ठीक है अच्छा उसके बाद जो नेशनलिज्म था वो डिफरेंट डिफरेंट फोक लोड से हमारे पास आ रहा था जो हमारे नेशनलिस्ट थे हमारे जो फोक टेल्स थे वो जो बार्ड्स थे बार्ड्स वर जस्ट लाइक अ बंजाराज जो एक दूसरे जगह पे जाते हैं और सारंगी वारंगी लेकर गाते हैं डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जो लीजेंड्स की कहानियों को गाने के रूप में लोगों को सुनाते हैं इस टाइप की चीज़ें हो रही थी और लोगों को वो सब सॉन्ग्स भी सुन के बड़ा जोश आ जाता जा था जिसकी वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड हो जाता था और इन्हीं में से एक नाम हमारा बंगाल की तरफ से रबिंद्राथ टैगोर का ही आता है इन्होंने भी बहुत सारे बलाज्स को इकट्ठा किया था नर्सी राइम्स को मेथ को और इन सभी को बेसिकली इन्होंने नेशनलिज़म को स्प्रेड करने में यूज़ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जहाँ पे इन्होंने आ, अपने हिस्टोरी जो पास था उसको खंगोरा और उसमें से बहुत सारी स्टोरीज वगैरह को निकाल के वो सामने लेकर आए मद्रास की बात करते हैं तो यहाँ पर नतीसा शास्त्री जी का नाम आएगा जिन्होंने फोर वॉल्यूम का कलेक्शन तमिल फोक टेल को बाहर लेकर के आए जिसका नाम था द फोकोर ऑफ साउन इंडिया जिसमें नतीशा शास्त्री का नाम इम्पॉर्टेंट है इनका कहना था कि जो फोक होता है वो नेशनल लिटरेचर होता है और बहुत ही ट्रस्ट होता है जहाँ पर लोगों के रियल थाट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स मैंशन होते हैं ठीक है अब जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे थे इन आइकन्स एंड सिंबल्स को लेकर के सो देट की सब लोगों को यूनिफाइंग कर पाए अब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग को इनिशिएट किया गया स्टार्ट किया गया जो कि हमारा रेड ग्रीन एंड येलो हुआ करता था और अगर हम बात बोलें तो इसमें एट लोटसेस भी हुआ करते थे जो कि एट प्रोविंसेस को जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस होती थी उनको डिफ़ाइन करता था उसमें एक क्रिसेंट मून होता था जो मुस्लिम्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था लोटस फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम का हमारा क्रिसेंट मून यानी ईद का चांद जो होता है नाइनटीन तक गांधी जी ने नया स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया ये भी ट्राई कलर का था लेकिन कलर क्या था इसमें येल्लो हटा करके वाइट ला दिया गया रेड ग्रीन एंड वाइट और यहाँ पर बीच में स्पिनिंग व्हील लगा दिया गया जो कि गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था इम्पॉर्टेंट है देख लेना अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारे जो लोग थे जो यात्रा करते थे वो लोग इन फ्लैग्स को लेकर के चला करते थे ठीक है अब हमने यहाँ पे अपनी हिस्ट्रीज को रिप इंट इंट्रिटेशन करने की सोची क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने आप से हमारी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा अब हमारी बारी थी कि हम अपने इंडियंस की कैसे हिस्टोरिक पास थे या जो हमें कैसे डिक्लाइन दिखाया गया था हम अपने ग्लोरियस टाइम को लोगों के सामने ले आ पाए और हमें हम लोगों को ये बताएं कि नहीं भाई हमारा पास्ट में भी हम लोग बहुत ही यू नो हमारे रूलर्स हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो ग्रेट हुआ करते थे जिससे कि लोगों के मन में एक यू नो एक बहुत ही स्ट्रॉग वाली फीलिंग आए नैशन वाली

और जो हम हिंदूज़ हैं जो लोग यूनिफाइंग हम करेंगे विदा इसी किसी प्रॉब्लम्स के हम लोग एकजुट हो जाएंगे इन इमेजेस को हम सेलिब्रेट करेंगे जो हिंदू आइकनोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट इमेज़ हैं हम सबको इकट्ठा करेंगे और नेशनलिज़म को स्प्रेड करेंगे कुल मिलाकर हम यहाँ पर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात करेंगे कंक्लूजन में हम दोबारा यहाँ बात करेंगे कैसे हमने मूवमेंट को स्टार्ट किया अगेंस्ट द इंड गवर्नमेंट और गांधी जी ने कैसे हेल्प किया कांग्रेस एट दैट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए बहुत सारी एस्पिरेशंस थी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इन मूवमेंट के थ्रू हम लोगों ने इन एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशंस को पाने की बहुत कोशिश की और जो कांग्रेस था वो काफ़ी हद तक उसमें डिफरेंसेस थे लेकिन डिफरेंसेस को हम दूर करने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त और uh, काफ़ी हद तक यूनिटी uh, जो नेशनलिस्ट यूनिटी थी वो हो रही थी लेकिन बीच बीच में डिस यूनिटी भी आ रही थी यहाँ पे एक और आएगा पार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट जिसका ईयर है 14 जुलाई 1940 सो so, हिंदी में हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इफेक्ट था वाइड डिसकंटेंटमेंट था इंडिया में और गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया नाइनटीन में कि कंप्लीट विड्रॉल होगा ब्रिटिशर्स का फ्रॉम इंडिया ठीक है अब इसी चीज़ के करते हुए इन्होंने 1945 फाइव में रिजोल्यूशन पास किया वर्धा में वर्धा एक प्लेस का नाम है महारा वर्धा एक प्लेस का नाम है वर्धा एक प्लेस का नाम है और 1942 टू में ये पास हो गया और हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ने डिमांड किया कि तुरंत ये पावर जो इंडिया ब्रिटिशर्स के पास है वो इंडियंस को दो और 8 अगस्त को 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रिजोल्यूशन ले लिया नॉन वायलेंट हम मासिटेशन करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और यहाँ पे गांधी जी ने अपना जो फेमस जो उनका स्लोगन था डू और डाई स्पीच में ये बोला और ऑलमोस्ट हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया कुछ नेम बहुत ही फेमस आ जाते हैं जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन था जयप्रकाश नारायण का अना आसफ अली का राम मनोहर लोहिया का बहुत सारी जो वीमेन थी जैसे कि बेगम हज़रत महल की अगर बात करें सॉरी नॉट बेगम हज़रत महल माता गिनी हज़ारा इन बंगाल की बात करें कनकलता बरुआ असम की बात करें रामा देवी उड़ीसा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था बेटा आज के लिए यहाँ पे काफ़ी है अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में होगा थैंक यू फॉर टूडे लेक्चर